बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे कि वाटर का फ्लो उस साइड होता है जिधर वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन हमारा जो लिया हुआ है वो 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का है, और यहाँ पर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पर सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है, पानी की परसेंटेज कम है, यहाँ पानी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जहाँ वाटर ज्यादा है ये एसपीएम केवल वाटर को अलाउ करेगा पास होने के लिए। तो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट जो इधर फ्लो करेगा जिधर पानी कम है, तो यहाँ से क्या होगा इसका लेयर डिक्रीज करेगा लगातार, इसका लेयर इंक्रीज करेगा तब तक जब तक ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट ना हो जाए, एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब मान लो कि ये लेयर बढ़ रहा है और हम लोग इस लेयर को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, तो क्या करना हम लोग होगा, हम लोग को यहां से एक प्रेशर अप्लाई करना होगा यहां से। और ये प्रेशर, ये हम लोग जो है जितना प्रेशर लगाएंगे कि ये बस जो फ्लो होना चाह रहा है ये फ्लो रुक जाए, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक।